जय भीम। नमो बुद्धा। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। जहां एक ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मना रहा है और एक दिवसीय आयोजन में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है, तो वही दूसरी ओर बस्तर संभाग के सुकमा जिले के सिलगेर गांव में लंबे समय से हजारों ग्रामीण आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त पूरा बस्तर संभाग आदिवासी जनप्रतिनिधियों से भरा पड़ा है, लेकिन उनके बीच से एक आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, यह नारा आदिवासियों के धरना प्रदर्शन, रैली और सम्मेलन में सदैव लगते आया है। लेकिन अब नक्सल प्रभावित संभाग बस्तर में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं जब घटती है, तब छत्तीसगढ़ के दूसरे भाग के आदिवासी एवं उनके जनप्रतिनिधि सदैव चुप्पी साधे हुए रहते हैं। जहां एक ओर पूरा सरकारी अमला राज्योत्सव मनाने में मग्न है, वहीं दूसरी ओर बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के द्वारा आदिवासी किसानों पर गोली चलाकर हत्या कर दी गई, उसकी मुआवजा राशि एवं दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सिलगेर में लंबे समय से आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त पूरा बस्तर संभाग आदिवासी जनप्रतिनिधियों से भरा पड़ा है, लेकिन उनके बीच से एक आवाज उठाने वाला कोई नहीं। लखीमपुर खीरी घटना में मृत किसान की अस्थियां बुधवार को महाराष्ट्र के बीड में पहुंची। संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से शहीद किसानों के अस्थि कलश राज्य भर में किसानों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। लातूर उस्मानाबाद होते हुए शहीद किसानों की अस्थियां बीड में अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन पर पहुंची, जहां किसानों एवं बीड के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इन अस्थियों की यात्रा के बाद अस्थियों का विसर्जन मुंबई के आजाद मैदान में एक सभा में किया जाएगा। इस बीच इन संयुक्त किसान आंदोलन के किसानों ने 2020 के फसल बीमा के भुगतान की मांग को लेकर बीड में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दिया। बता दें कि फसल बीमा जिले के किसानों को तत्काल दिए जाने की मांग को लेकर इन किसानों ने 75 किलोमीटर की पैदल दिंडी यात्रा निकालकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। इस यात्रा के किसानों ने बीड जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही रात भर अपना ठिया जमा लिया था। किसानों का कहना है कि जिले के किसानों को तत्काल फसल बीमा दिया जाए, नहीं तो यहाँ के किसान अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान अमर रहे, अमर रहे। अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त मोर्चाच्या वतीनं क्रांतिश्री महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या भिडेवाड्याला अभिवादन करून ही यात्रा पुण्यावरून आमची साताऱ्याला गेली, साताऱ्यावरून आमची यात्रा कोल्हापूरला गेली, तिथून यात्रा सांगलीला आली, तिथून आमची यात्रा पुन्हा सोलापूरमध्ये आली, सोलापूरवरून यात्रा ही काल उस्मानाबाद, लातूर आणि आता आपल्या या बीड या ऐतिहासिक शहरामध्ये ही यात्रा आलेली आहे। जवळपास एकूण 6 ते 7 जिल्ह्याचा प्रवास करत ही यात्रा आज आपल्या बीड जिल्ह्यामध्ये आलेली आहे। या यात्रेचा समारोप हा दिनांक 18 डिसेंबर रोजी भारताची आर्थिक राजधानी किंवा ज्या शहराला एक स्वातंत्र्य लढ्याचं खूप मोठं वलय मिळालेलं आहे ते शहर म्हणजे मुख्यतः मुंबई, या मुंबई शहरामध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या अस्थिकलशाचं विसर्जन आझाद मैदानला एक मोठी सभा होईल आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये भूमीमध्ये या अस्थिकलश यात्रेचं विसर्जन करण्यात येईल। अमरावती के दानापुर की घटना का संज्ञान अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने लिया है। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष जीएम अभ्यंकर ने कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो यह घटना नहीं होती। फुले शाहू अंबेडकर के पुरोगामी महाराष्ट्र को कलंक लगाने वाली घटना अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के दानापुर में कुछ दिन पहले घटी थी। दानापुर गांव में सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का रास्ता रोककर एक बुजुर्ग किसान महिला की सोयाबीन की फसल चला दी गई। लगातार हो रहे अत्याचारों की वजह से 100 दलितों ने गांव छोड़ दिया। इसी घटना का संज्ञान अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने लिया है और उन्होंने पीड़ित दलित गाँव वालों का समर्थन किया है। आयोग के अध्यक्ष जीएम अभ्यंकर ने गांव में जाकर पीड़ितों से चर्चा की। यदि संबंधित प्रशासन ने इस मामले में योग्य कार्रवाई नहीं की तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी आयोग ने दी है। अमरावतीला मी जेव्हा ते एसपी साहेबांशी वगैरे बोललो त्यावेळेला मला वाटलं की कार्यवाही पुरेशा प्रमाणात त्यांनी केलेली आहे। जी प्रशासकीय कार्रवाई व्हायला पाहिजे होती, म्हणजे FIR दाखल करणं, त्यानुसार अटक करणं, ही कार्यवाही बऱ्यापैकी झाली असं मला त्यावेळेला वाटत होतं। पण आता गावात आल्यानंतर लक्षात आलं की याच्याशिवाय आणखी 2 केसेस आहेत की ज्या संदर्भात त्यांनी कारवाई केलेली नाही। ती कारवाई जर वेळीच केली असती
तर पुढे जी ही घटना घडली 18 तारखेला ती कदाचित टळली असती. एक जरब बसवण्याची कारवाई त्यावेळेला व्हायला पाहिजे होती, ती झालेली नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं आहे की आता या बाबतीत लक्ष घालण्याची गरज आहे आयोगाला. आयोग लक्ष घालेल, त्यांना बरोबर पत्र देईल. जी आता वस्तुस्थिती मला समजलेली आहे, जी आरोपींनी जे जे आता या ठिकाणी फिर्यादींनी जे जे आता या ठिकाणी मांडलं आहे त्याचा आधार घेऊन शासनाला परत मी आणखी काही माहिती देईल आणि त्यानुसार संबंधिताच्या विरुद्ध कारवाई करण्याच्या संदर्भात आम्ही निश्चितपणे पावलं उचलू. त्रिपुरा में दंगाइयों द्वारा मुस्लिम कब्रिस्तान मदरसा को तोड़ने के विरोध में नागपुर में मुस्लिम समुदाय की ओर से आंदोलन किया गया. इस दौरान संविधान चौक पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम जन समुदाय उमड़ा था. उत्तरी त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा में कई मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें जलाने और एक मस्जिद पर हमले की घटनाओं के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय में रोष देखा जा रहा है. कुछ दिन पहले त्रिपुरा में दंगाइयों द्वारा मुस्लिमों का कब्रिस्तान, मदरसा, उनकी दुकानें साथ ही कई जगह जमकर तोड़फोड़ की गई थी, जिस वजह से बड़े पैमाने पर मुस्लिमों का नुकसान हुआ. हमारा प्रोटेस्ट त्रिपुरा में जो रिसेंटली अभी अटैक्स हुए हैं, 16 मस्जिदों को तबाह किया गया है और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट एंटी स्लोगन एंटी सोशल एलिमेंट्स वालों ने किए, उनके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ताकि त्रिपुरा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शंस ले. पिछले दिनों त्रिपुरा के अंदर में जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर जुल्म किया गया, हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया, हमारे खानकाहों को तोड़ा गया, हमारे कब्रिस्तान को तहस नहस किया गया, हमारे मदारिस को तोड़ा गया, हम इसकी मजम्मत करने के लिए आज तमाम नागपुर शहर के जिम्मेदारान नौजवान जो इस आग में अपने आप को दिल में जिसकी जलन महसूस कर रहा है वो आज यहाँ मौजूद है, इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए और सरकार से ये डिमांड करने के लिए. औरंगाबाद में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ हुई विडंबना के चलते यह कार्य करने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए भीम आर्मी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें औरंगाबाद भीम आर्मी संगठन ने सिपेट सेंटर प्रशासन को निलंबित करने की मांग की है. भीम आर्मी की ओर से सोमवार 1 नवम्बर को शहर के सूबेदार रेस्ट हाउस में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी. इस वक्त यह जानकारी दी गई कि भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले सिपेट सेंटर में बुद्ध की मूर्ति को विरूपित किया गया था. इस मामले का भीम आर्मी संगठन विरोध कर सिपेट सेंटर के संचालक को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि भीम आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह भी मांग करता है कि अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए. जे पोटे आहेत ते अत्यंत बदमाश आहेत, कारण ज्या वेळेला तक्रार घेऊन गेल्याच्या नंतर एवढ्या महापुरुषाची त्या ठिकाणी विटंबना होते तरी देखील ते पोटे पीआय तक्रार घेत नाही. याचा अर्थ काय? जाती दोषातून त्याचं काम एमआयडीसी पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत चालत आहे आणि म्हणून त्याचा आम्ही धिक्कार या ठिकाणी करत आहोत. सिपेट एक कंपनी आहे, तिथं पेट्रोकेमिकल वगैरे प्रोडक्शन होतं. या कंपनीमध्ये या फोटोमध्ये दिसत असलेले तैलचित्र आहे भगवान बुद्धांचं, हे तैलचित्र त्या कंपनीमध्ये लावलेलं होतं आणि ते कायमस्वरूपी होतं, कुठल्या इव्हेंटच्या प्रसंगानुरूप नव्हतं ते. आणि हे तैलचित्र आज सध्या वर्तमान परिस्थितीमध्ये त्या कंपनीनं ते काढून टाकले. ही बाब आनंद भुतकर यांच्या निदर्शनास आल्याच्या नंतर त्यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला त्यासंबंधीचं पत्र व्यवहार केलं, त्यांना जाऊन भेटले, परंतु त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. आणि मग आत्ताची परिस्थिती एक वेगळी आहे की त्या परिसरात असलेले पोटे जे पीआय आहेत हे अत्यंत जातीवादी भावनेचे आहेत. हा माझा देखील वैयक्तिक अनेक प्रकरणामधला अनुभव आहे. जर पीआय पोटेंनी आनंद भुतकर यांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेतली असती, त्या व्यवस्थापनाला जर जाब विचारला असता तर हे सारं करण्याची वेळ आली नसती, प्रसंग आला नसता. इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही. आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ. जय भीम, नमो बुद्धाय.